ये लो लुक एट देम। हेलो गाइस, वेलकम टू ओपन चैनल, नो रूल्स, कीप इट सिंपल। आज फादर्स डे है तो आज हम विकास के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, साथ में रियोर मायरा भी। तो आज रिया और अमायरा और मम्मा की हेल्प से हम पहले डैडी के लिए हम चाय बनाएंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, एंड देन वी विल मेक हिज फेवरेट सब्जी। यस, एंड विच इज दाल मखनी। सो आई होप विकास को अच्छा लगेगा और हम उसे कुछ स्पेशल फील करा पाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम मेकिंग माय डैड्स सम चाय। कैरफुल अबाउट द टी। या आई विल कीप वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द टी। ओह, कीप वॉचिंग द टी। You don't want it to like come out of the. I don't know when it's ready. And keep watching the video. This is ginger. I didn't bash it, even though I like bashing it. The last time I bashed it, I broke this thing. But then my daddy got another one. That was kind of funny. Daddy said it's fun. And my daddy burnt a towel. He made a hole in it. Yeah, he made a hole in it. Wait. He made a hole in it. So my mummy has added the milk. I'm going to show you it. It looks kind of weird. But be careful. Yeah, I'm fine. It's just near it. आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा आपने फर्स्ट टाइम कब उड़ाया था पतंग? मेरे ख्याल से मैं रिया और जितना था जब 6-7 साल का था तब उड़ाया था पहली बार। लेकिन क्या था, मेरे ख्याल से पेरेंट्स लाइक नहीं करते थे मेरे पतंग उड़ाना, खासकर छत पे। छत की वजह से तो नहीं उड़ाता था मैं हमारे वहाँ पे नहर थी घर के पास, उसके किनारे पे उड़ाते थे। अगर उसमें नहर में गिर भी सकते थे बेसिकली, वो भी एक इशू था। तो डेंजर की वजह से ही मना करते थे ना, अगर आप ऐसे खुले में उड़ाओगे तो शायद नहीं मना करेंगे। खुले में शायद वही ना मना करते होंगे आप भी। मैं भी, लेकिन जो हमारा मेरा केस था वो था कि जहाँ हम रहते थे When did you make this? Well, she made that one in school. These ones yesterday. Yeah, oh. And I let Leah write on mine. She lost hers. When did you wake up? Oh, I don't know. Mama did wake up. Mm-hmm. Oh, I think I wake up at 6 o'clock. Even though I didn't want to. Oh, that's so nice of you. I told you I made 3 cards. A little bit of. Yeah. Show me cards. Oh, this one. Who made this one? Me. She tried to make a star. Wow, it's a star. To Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Well done, Amara. And I copied Leah because I didn't know what to say. But that's good. That's the wrong way around. That's the wrong way. Okay. And Leah write that. Oh, happy Daddy. To Daddy, happy Father's Day. That's nice, Leah. Well done. And this one. Oh wow, that's a nice look at this. Wow, that's amazing. To Daddy, happy Father's Day. Love you from Rhea and Amara. Yeah, Rhea write her name because she loves her. Well done. And we got tea for you. We got tea, oh, that's nice. And who made it? Huh? Who made it? All of it. Most of it made it on me. Yeah. That's good. And that's we made nice, your favorite subject. Dal makhani. In morning? Yeah. How?
No, we will make it. We started. Oh, wow, that's nice. We didn't help mommy just make it. I didn't know what to do. It's so nice of you. Curia. You're welcome, Daddy. So who made this tea? Mama. Mama and... मैंने दोपहर को हमारा काम ये होता था कि अखबार काटा और वो तिलियां ली झाड़ू की तरफ बोलते हैं हमारे उसको अच्छा और उसके बाद गोंद भी घर से नहीं लाते थे इसके अंदर वो गोंद के पौधे होते थे उसके अंदर निकलता था वाइट वाइट सा गोंद वो लगा के अपने पतंग बना के फिर दोपहर को ऊन ऊन की इसकी ऊन से उड़ाते थे फिर उससे उड़ाते थे दोपहर को मतलब टाइम पास करने के लिए ही होता था फ्री का सारे जुगाड़ू काम है अरे हम तो बताएंगे आप तो गोंद भी लगाते थे हम पता क्या लगते आटा लगाते थे आटा गोल के लिट्टी आटे की लिट्टी लगाते थे वहां पे उसको पकाते थे आटे की लिट्टी बन जाती थी पूरी फिर उससे हमारा अपना भी ले आओ ब्रेकफास्ट थैंक यू मारा एंड रिया मैं छठी सातवीं क्लास में था तो मैंने पतंग खरीदा था एक रेड कलर का ठीक है और मतलब चोरी से रखता था उसको मैं नीचे बैठ के नीचे छुपा के चोरी से क्यों रखता है क्योंकि वो डैडी को पसंद नहीं था बिल्कुल भी पतंग उड़ाना तो वो चाहते थे कि मैं पतंग की तरफ देखूं भी ना तो मैं हर शाम को जाता था चुपचाप ठीक है और उसके पतंग को निकालता था और उसको उड़ाने के लिए ऊपर चला जाता था मैं अकेला मैं उड़ाता रहता था मेरे साथ लड़के खड़े होते थे ना मैंने किसी को नहीं देता था बिल्कुल भी वो मांगते रहते थे नहीं देता था मैं तो फिर पता क्या किया उसने क्या नाम कृष्ण और सुशील दोनों होते थे साथ मेरे तो उन दोनों ने मेरे क्या बोले काम करते हैं ये हमें तो उड़ाने देता इसको भी उड़ाने देंगे हम तो उन्होंने क्या किया जी बता दिया अच्छा शिकायत कर दी मेरे डैडी को पता लग गया तो फाड़ फूड के फेंक दिया उसके बाद क्या भाई मेरे को पतंग तो मिला नहीं उसके बाद फिर मैंने कहा घर के आसपास तो कुछ करूंगा नहीं काम करूंगा थोड़ा दूर जाके एक दो मेरे यार दोस्त थे रणधीर था एक दोस्त का नाम मैं उसके घर चलता हूँ और वहाँ जाके उड़ाता हूँ पतंग मैंने कहा मेरे पास यार पतंग तो है नहीं तो मेरे पास नहीं पॉलीथीन है पॉलीथीन उड़ा लेते हैं तो मैंने कहा कि पॉलीथीन बनाया था गवन दस को उसको उड़ाने लग गया कृष्ण और सुशील मेरे साथ खड़े दोनों दोनों तो वो कह रहे कम से कम पॉलीथीन उड़ाने दिया मैं तो मैंने उनको एक्चुअली वो भी उड़ाने दिया कृष्ण ने क्या करा चुपचाप गया और जाके डैडी को बता दिया हाँ कि वो वहाँ है और वो वहाँ पॉलीथीन उड़ा रहा है डैडी मेरे आए वहाँ उसके बाद पतली सी कामड़ी ले रखी थी हाथ में आए इनको नीचे आओ और वहीं तो छेद दे ले गए थे घर तक So there's some cucumbers and some onion, some yogurt, raita, and roti. Okay guys, Father's Day है आज तो हमने सोचा कुछ अलग करते हैं विकास और राम एंड ऑब्वियसली सब लोग इंडिया में काफ़ी पतंग वतंग उड़ाते थे तो आज हमने सोचा आज हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं एंड दे ऑलरेडी द पतंग इज ऑलरेडी अप लुक इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी So Riya, is this your first time? Yeah. You like it? Yeah. Are you gonna do it every year? Maybe. आज आज enjoy कर अपना childhood. हाँ. पूरा. Did you used to do? पूरा enjoy कर रहे हैं और ऊपर ही ऊपर जा रही है अभी. कितना ऊपर होगी अभी विकास? अभी तो half ही है शायद ये. Maximum 30-40 meter. Is it the thread is 100 meter long? हाँ. So let's see how much. कितना हायर ये जाएगा हाँ क्योंकि अभी हवा चल रही है ना इसलिए ऊपर जा रही है क्या हुआ हमारा अच्छा एक मिनट से निकाल देता हूँ ये आ जाओ ये लो लेकिन ध्यान से पकड़ रखो
so much easier. It comes with a handle. एड एक्स्ट्रा मंगवाई थी मैंने 100 मीटर की 10 पाउंड्स में. यस गाइस इट्स रियली एक्सपेंसिव सुधा. अमेज़न से हम अमेज़न को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं BTW, लेकिन अमेज़न हमारा इस टाइम काफी फेवरेट है क्योंकि नेक्स्ट डे डिलीवरी दे देते हैं, तो इसलिए हम इस पूरा मतलब पकड़ने का ना पूरा सही जुगाड़ देगा तेरा पूरा सही जुगाड़ पूरा पकड़ने का बना रखा है कुछ रेशमी सा धागा है बिल्कुल ही. अच्छा ये देखो कैसा कैसा रेशमी धागा है बिल्कुल. अच्छा हमारा इधर आओ टेल अस मजा आ रहा है आपको? यस बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट टाइम उड़ा रहे हो आप? इज दिस फर्स्ट टाइम? यस. आर यू गोना डू इट एवरी ईयर नाउ? What a yummy cake! Yes. Isn't it the best? It's Father's Day. Yeah. Yeah. Are you excited? Father and Chachu and Yandri Amara. Happy Father's Day. Happy Father's Day. अरे मेरे को तो ज़्यादा देते कोई बात नहीं. अभी हमारा एंड रिया बताएंगे कि वो अपने डैडी से कितना प्यार करते हैं. ओके अगेन 10,000% व्हाट अबाउट यू उमायरा? द सेम लाइक रिया. सेम लेंथ सेम लाइक रिया. वेरी गुड. ओके फादर्स डे हैप्पी फादर्स डे. हैप्पी फादर्स डे. यस हमारे पापास को इंडिया में हैप्पी फादर्स डे. हां यस तो आप लोगों ने फोन किया था उसे घर पे यार. हां कर दिया था ना काफी देर बात की है. ठीक है वैसे तो एवरी डे इज अ फादर्स डे. हां आई थिंक फादर्स एक ऐसी चीज होती है जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन यस वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं. हां वो लग रहा बैकग्राउंड में क्या वो लग रहते हैं. हां इट्स या दे आर बैकग्राउंड सपोर्ट दे आर ऑलवेज देयर. कहावत है ना कि वी फादर्स आर लाइक ट्रीज जो छांव देते हैं एंड दे एक्सपेक्ट नथिंग बैक फ्रॉम यू. आई मीन दे एक्सपेक्ट लेकिन कोई देता नहीं है. तो अच्छा लेकिन लेकिन देना चाहिए है ना. इंडिया में हमारी कम्युनिटी में जाट कम्युनिटी में स्पेशली फादर्स का अपने बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो काफी ड्राई है. मतलब एक्सेप्शंस तो होती हैं सब जगह लेकिन नॉर्मली फादर्स और स्पेशली सन्स का जो रिलेशनशिप है ना काफी बहुत कम बात होती है. तो मेरे ख्याल फादर्स डे को हम एज अ बहाना मानते हुए हम मे बी उनको वंस अ ईयर एटलीस्ट उनको थैंक यू बोल सकते हैं उनको हग कर सकते हैं आई लव यू बोल सकते हैं. बिल्कुल है ना. इंडिया में भी इंडिया में हम लोग भी हमें नहीं पता थी इन चीजों के बारे में. यहाँ के ये चीज तो बहुत अच्छी लगी हमें कि इन चीजों के बारे में उनकी जो इम्पोर्टेंस है नो एक्चुअल इम्पोर्टेंस है हमें अब हमारे बच्चों से सीखने को मिल रही है. है ना ये रिया और हमारे आगे हैं इनसे पता चला दे वी यस वी लर्न लॉट फ्रॉम दीस टू लिटिल बडीज. Please like it, share it, subscribe, comment.